क्वेश्चन, सड़कों पर काले झंडे लेकर उतरे कांग्रेसी, कांग्रेसियों ने रोड पर जाम लगाकर की नारेबाजी, पुलिस प्रशासन ने छीना काला झंडा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता हुमा आलम हमसे जुड़ चुकी हैं। जी हुमा, क्या कुछ अपडेट देंगी आप? जिस तरह बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काले झंडों के साथ, क्या है अपडेट? आपको बता दूं कि जैसे सीएम योगी का आगमन हुआ है, विपक्षियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी कड़ी में कांग्रेस ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में काले झंडे दिखाए, जिसको पुलिस प्रशासन ने कई पदाधिकारी हैं जिनमें अध्यक्ष अभिकाश अग्रवर्ती भी शामिल है को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से कार्यकर्ताओं ने थाना कोना को घेर कर रखा हुआ है, वो उन्हें वापस छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ता सीएम योगी का पुतला दहन भी करने वाले थे, हालांकि पुलिस की इस सतर्कता की वजह से पुतला दहन नहीं हो पाया है, लेकिन जी लगातार विरोध प्रदर्शन के नारेबाजी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, साथ ही काले झंडे भी लेकर प्रदर्शन जता रहे हैं वो। क्या कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर आपकी बात हुई हो उनसे तो? कांग्रेसियों का कहना है कि जो वर्तमान में जो स्थिति हो गई है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, सरकार को अपनी सीट छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है शहर में, अपराध लगातार बढ़ा है, हर तबके के साथ जो अपराध हो रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन किया जाए। और आगे भी अगर कोई केंद्र की कर्मचारी आता है तो उसका विरोध प्रदर्शन इसी तरह करेंगे। जी बिल्कुल, क्या कुछ लगा आपको पूरे मामले को देखते हुए कि क्या पुलिस प्रशासन का नियंत्रण है पूरी तरह से इस विरोध पर? हेलो हुमा, क्या आप हमको सुन पा रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि पुलिस जिस तरह से प्रदर्शन करने से रोक रही है, कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ कितना कंट्रोल में है स्थिति? स्थिति को अब हालांकि काफी हद तक कंट्रोल कर लिया जा चुका, कि कई कार्यकर्ताओं को, कई खुद अध्यक्ष प्रकाश अग्निहोत्रियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में थोड़ा, लेकिन अब फिर से जो थाना कोना घेरा है, काफी कार्यकर्ताओं में रोष है, वो थाना कोना को घेर कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता को पुलिस कहाँ लेकर गई ये बात भी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस खबर पर अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर कानपुर से दे रहे थे, जहां कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सड़कों पर काले झंडे लेकर उतरे हैं कांग्रेसी, कांग्रेसियों ने रोड को जाम करके नारेबाजी की, हालांकि पुलिस प्रशासन ने काला झंडा छीन लिया। और इस खबर पर फिलहाल इतना ही, आगे की तमाम खबरों के तो एक नंबर जल का है, और जल की दिशा करियर की दिशा उत्तर है।